अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एएम प्लेटफॉर्म से अमानत अली वडैच। व्यूअर्स, 10 मरला हाउस फॉर सेल, डिमांड 4,95,35x65। डिमेंशन है इसकी, फ्रंट एलिवेशन, खूबसूरत फ्रंट एलिवेशन है। फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो यहाँ पे रॉक वॉल वर्क किया गया, टाइल वर्क किया गया। इस साइड पे जो आप ग्रिल देख रहे हैं, इसमें CNC वर्क किया गया। तो इस साइड पे जो आप खूबसूरत स्ट्रीट देख रहे हैं, 40 फीट वाइड इसकी स्ट्रीट है। इस साइड पे अगर देखते हैं तो बिल्कुल ओपन एरिया है, काफ़ी हाइटेड मतलब लोकेशन पे ये हाउस है। तो चलते हैं, आपको साथ साथ बताते रहेंगे। अगर इस कार रैंप पे आते हैं तो कार रैंप पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आसानी से 2 बड़े डाले खड़े कर सकते हैं, जो क्योंकि घर में अगर मजबूरी हो, स्पेस कम हो तो यहाँ पर कर सकते। यहाँ पर मैंने बहुत सारे घरों की वीडियो बनाई, तो ये पॉइंट आपको, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये एक बंदे ने मतलब यहाँ पर जो लाइट दी है, इसका अच्छा फ़ायदा होगा। तो साथ इस साइड पे देख सकते हैं, छोटा सा तका दिया गया है। इस साइड पे खूबसूरत इसका मेटल का बड़ा गेट दिया गया है। तो इस साइड पे आते हैं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल लश ग्रीन गार्डन एरिया है। एक पाम लगाया गया, बाकी भी पौधे यहाँ पे लगाए गए हैं। इत्थे तुसी अपना घर का कूड़ा वगैरह फेंक सकते जो। तो व्यूअर्स, खूबसूरत इसका कारपोर्च का एरिया, कारपोर्च में यहाँ पर आप 2 गाड़ियाँ खड़ी कर सकते, एक छोटी जी पितको जी मेहरान भी खड़ी कर सकते जो। तो व्यूअर्स, सीलिंग में आप देख सकते हैं, यहाँ पे सीलिंग में जो पैनल ऊपर यूज़ किया गया है, मतलब कुछ जगह पे पैनल यूज़ किया गया है, टेक्सचर किया गया है सीलिंग में, लाइट बड़ी अच्छी यूज़ की गई है, 2 फैन दिए गए हैं। तो आ जाते हैं जी इस साइड पे, माशाल्लाह आप यहाँ पे देखें पूरी घर की ये रौनक है दोनों साइड पर। इस साइड पर अगर आते हैं तो ये ज़िराज के लाज के मुताबिक यहाँ पर गैलरी छोड़ी गई है। आ जाते हैं जी इस साइड पर, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी स्पेस है। इस साइड पे भी इतने 2 स्कूटरियाँ खड़ियाँ कर सकते जो। व्यूअर्स, इंटर हो जाते हैं घर में, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 स्टेप दिए गए हैं, नीचे प्रोफाइल लाइट यूज़ की गई है, डबल यूनिट के लिए 2nd डोर भी दिया गया है। तो यहाँ पे खूबसूरत पॉइंट ये है कि ये जो डोर आप देख रहे हैं, इसे भी आप ओपन कर सकते हैं। अभी मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अगर हम इस वुड की बात करें, बड़ी अच्छी वुड, बड़े खूबसूरत डिज़ाइन दिया गया है। इसे हम खोल लेते हैं तो खूबसूरत घर में हम एंटर हो जाते हैं। तो व्यूअर्स, टीवी लाउंज, साथ इस साइड पे ड्राइंग रूम, 2 बेडरूम और इस साइड पे इसका किचन है। तो सबसे पहले इस साइड पे आ जाते हैं जी इसका ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम में आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छी स्पेस है, आप अपना फर्नीचर वगैरह अच्छे तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। इस साइड पर इसकी विंडो दी गई है। विंडो की बात करें तो आप देख सकते हैं अच्छी विंडो दी गई है, कोई आवाज़ ज़्यादा आपको नहीं आई होगी। इस साइड पे इसकी खूबसूरत लाइट इंस्टॉल की गई है और यहाँ पे खूबसूरत पेंट किया गया है। इस साइड पे अगर आप करना चाहें तो इसे बिल्कुल पार्टीशन कर सकते हैं। इत्थे किसदा दरवाज़ा दिया गया, पूरे घर का डोर डिज़ाइन एक ही जैसा दिया गया। तो टीवी लॉन्च की बात करें तो यहाँ पर खूबसूरत सी कोशिश करें, डेकोरेट और भी बढ़ जाएगी आपकी। ऊपर सी एसी वगैरह लगा सकते हो। इस साइड पे आप देख सकते हैं खूबसूरत वुड पैनल यूज़ किया गया। तो यहाँ पे इसकी मीडिया वॉल आप देख सकते हैं, मीडिया वॉल में बहुत अच्छी एलिगेंस हाई ग्लास शीट यूज़ की गई है। इस साइड पे नीचे खूबसूरत कंसोल बक्स दिया गया है, इतने तुम अपना सामान समून रखो, बुक वगैरह जो भी आप रखना चाहें। तो बहुत एक अच्छा, मतलब आप ये देखें यहाँ पर सीलिंग में बड़ी सिंपल सी सीलिंग की गई है। यहाँ पे जो शैंडिलियर दिया गया, मैंने पहले इस तरह का शैंडिलियर नहीं देखा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये मतलब जिसने डेकोरेट इसे किया है, जो यहाँ पे लगाया है, एक अलग सी इसकी लुक आ रही है। साइडों पे 2 फैन इंस्टॉल किए गए हैं। इस साइड पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वुडन कलर में ऊपर टेक्स्चर किया गया है। तो साथ इसका इसका किचन है। डोर डिज़ाइन जिस तरह आपको बताया एक ही जैसा दिया गया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खूबसूरत सेटअप किया गया है। प्रोफाइल लाइट यूज़ की गई है, बर्नर इलेक्ट्रिक इसका हुड दिया गया है। इतने तीनों से दिखा देने इसकी स्पेस, काफ़ी अच्छी स्पेस की गई है। एलिगेंस हाई ग्लास शीट यूज़ की गई है। इतने तुम अपने भांडे भूडे ढो सकते जो, जिस तरह ये आप देख रहे हैं बर्तन पड़े हुए हैं, स्पेस काफ़ी अच्छी दी गई है। सामने विंडो है, विंडो से बाहर आप यहाँ से मतलब कह लें कि वेंटिलेशन के लिए विंडो यहाँ पर दी गई है, और इस साइड पर से एक डोर भी दिया गया, बाहर गैलरी की तरफ जा सकते हैं। तो चलते हैं जी बेडरूम की तरफ। इस साइड पे 2 इसके बेडरूम हैं, बेडरूम में इंटर हो जाते हैं जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं खूबसूरत सेटअप किया गया बेडरूम में। इस साइड पे पूरा ये आप देख सकते हैं वुड पैनल यूज किया गया है।
फ्लोर से लेके सीलिंग में भी डिजाइन दिया गया, खूबसूरत डिजाइन दिया गया पैनल का। ऐसे तुम देख सकते हो वड्डी विंडो दी गई है। तो व्यूअर्स इस साइड पे आपको खूबसूरत हाइटेड एरिया इतना है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने आपको यहाँ पे डीएचए का तमाम मतलब बड़ी बिल्डिंग नजर आ रही है। तो इस साइड पे आ जाते हैं इसके वॉशरूम में, बड़ा सोना जहा वेंटी सेटअप गोल्डन कलर में, और इस साइड पे सिंपल सा इसका शावर दिया गया, कमोड और इतने तुम तौलिया छोलिया भी टंग सकते हैं। तो व्यूअर्स आ जाओ जल्दी से इस साइड पे, अगर थोड़ा फोकस करें या आप देख सकते हैं खूबसूरत शीट यूज की गई है, स्पेस काफी अच्छी दी गई है, ऐसे कपड़े वगैरह रखो। चलते हैं जी, अगर हम बात करें इसके हाउस के डिमेंशन की तो माशाल्लाह बहुत अच्छी डिमेंशन दी गई है। स्टैंडर्ड यहाँ पे रूम साइज वगैरह दिए गए हैं, तो सेम एक ही जैसा वगैरह किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी विंडो, डबल ग्लेस विंडो है, मैक्सिमम घरों में डबल ग्लेस विंडो इंस्टॉल की जाती है। इतने तुम टीवी रख सकते हैं, सॉरी। तो इस साइड पे इसका आप देख सकते हैं खूबसूरत डोर। इस साइड पे आते हैं तो आप देख सकते हैं खूबसूरत इसका काफी ऐसे तौलिया शोलिया है, जो मर्जी रखो तो सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है। साथ इसका वॉशरूम डोर डिजाइन सेम एक ही जैसा। इस साइड पे खूबसूरत वेंटी सेटअप दिया गया है कास्टा कंपनी का, सिंपल सा मिरर, ऊपर एक लाइट दी गई है, टाइल वर्क बड़ा अच्छा किया गया, सिंपल सा इसका शावर एरिया दिया गया, इतने एक विंडो भी होते हैं, एक एग्जॉस्ट फैन भी है, ऐसे तौलिया भी टंग सकते हैं। तो आ जाओ जल्दी से। तो व्यूअर्स बंद कर लें, व्यूअर्स डबल यूनिट के लिए डोर दिया गया, डोर डिजाइन खूबसूरत दिया गया जिस तरह आपको पहले बता चुके हैं। तो इस साइड पे इसका पाउडर रूम देख सकते हैं, काफी स्पेशियस इसका पाउडर रूम है, आराम से इसे यूज करें जी। चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे, स्टेयरकेस वाइड स्टेयरकेस दिया गया, आराम से उत्ते सामान लेके जा सकते जो। तो यहाँ पे स्टील वर्क किया गया है, मेटल का वर्क किया गया है, सीएनसी डिजाइन दिया गया है, स्टेयर पे ग्रेनाइट यूज किया गया। गर्मी बड़ी है जी, आ जाएं जल्दी से। तो यहाँ से ऊपर छत की तरफ जाएंगे, वो भी नज़ारा आपको दिखाएंगे, बड़ा हाइटेड एरिया है। इस साइड पे थोड़ी कम स्पेस होने की वजह से एक्स्ट्रा यहाँ पे छोटा सा बेडरूम दिया गया, स्टडी रूम से आप कह सकते हैं, खूबसूरत डिजाइन दिया गया, डोर डिजाइन, सामने एक यहाँ पे विंडो दी गई है, तो इसे आप स्टडी रूम के लिए यूज कर सकते हैं। आ जाए जी, इस साइड पे आप देख सकते हैं इसका ह्यूज साइज में यहाँ पे इसका टीवी लॉन्च थोड़ी सी चेंजिंग की गया है फर्स्ट फ्लोर में। इसमें मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा, थोड़ा सा हम फैन चला लें, गर्मी बहुत ज्यादा है। तो इस साइड पे अगर मैं आता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका बेडरूम, फर्स्ट बेडरूम है। फर्स्ट बेडरूम में आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी डिमेंशन दी गई है। इस साइड पे फ्रंट एलिवेशन की साइड पे विंडो दी गई है, डबल ग्लेस विंडो है, तो एक अलग सी लुक दी गई है वुड पैनल यूज करके। इस साइड पे इसका वॉशरूम है, तो वॉशरूम भी देख लेते हैं जी। यहाँ पे देख लीजिए, एक मोड दिया गया, काफ़ी अच्छी स्पेस दी गई है, इतने एक विंडो शावर एरिया, इतने साबन वाबन रखो, इतने तौलिया रखो। तो यहाँ पे इसका खूबसूरत वेंटी सेटअप, सिंपल सा मिरर है। जल्दी से चलते, कोशिश कर रहा हूँ कि टाइम ज़्यादा ना लगे। आ गए जी दोबारा टीवी लॉन्च में। टीवी लॉन्च में सबसे पहले इसकी मीडिया वॉल के लिए यहाँ पे कंसोल बॉक्स, बढ़िया बढ़िया इसदियाँ अलमारियाँ दिखाई गई ने। तो इस साइड पे वॉल पे देख सकते हैं काफ़ी मतलब पैनल यूज़ किया गया, और इस साइड पे भी डिज़ाइन काफ़ी अच्छा दिया गया। इसमें मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ, कुछ जगह पे वुड पैनल है, कुछ जगह पे यहाँ पे पेंट किया गया है। तो खूबसूरत शैंडिलियर, साइडों पे दो फैन, ये शैंडिलियर भी एक अलग लुक दे रहा है इस साइड पे। तो व्यूअर्स ऐसे तेरा किचन है, मज़े लेने ने, चाय पीनी है, खाना खाना है। खूबसूरत दो लैम्प, बड़े सोने लमकाए गए ने लैम्प। इस साइड पे इसका बर्नर वाटी कंपनी का बर्नर है, और इस साइड पे हुड। ऊपर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी स्पेस दी गई है, मतलब है एक बड़े सोने के खाने बनाए गए हैं, डबल यहाँ पे हैंडल यूज किए गए हैं। और इस साइड पे मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, खुल जा भाई इस साइड से। इस साइड से अगर हम देखते हैं तो स्पेस काफ़ी अच्छी है, दोनों साइड से आप देख सकते हैं डबल हैंडल यूज किए गए हैं। मेरा गंजा भी नजर आ रहा है बिकॉज इस साइड पे आप देख सकते हैं यहाँ पे वेंटी सेटअप। स्पेस की बात करें, काफ़ी अच्छी स्पेस है, तो यहाँ पे इसका
गैलरी के लिए डोर दिया गया, थोड़ी सी हवा भी ले ले, गर्मी बहुत ज्यादा है। तो चलते हैं जी, अगेन इस साइड पे इसके आगे दो बेडरूम, टू बेडरूम यहाँ पे, एक इस साइड पे एक छोटा सा स्टडी रूम है, मतलब आप कह लेंगे प्रॉपर यहाँ पे फाइव बेडरूम है। तो आ जाते हैं जी इसके सेकंड बेडरूम में, आ जाए जी जल्दी से। डोर डिजाइन एक ही जैसा, साइडों पे आप देख सकते हैं खूबसूरत डिजाइन दिया गया। इस साइड पे बड़ी विंडो, आ जाओ जी इतों तुम देख सकते हैं पूरे DHA का नज़ारा आ रहा है। सामने आपको ये बड़ी बिल्डिंगें नजर आ रही हैं DHA की हैं, जरा बिल्कुल अपोजिट DHA का है, तो इसलिए इस साइड पे आप देख सकते हैं यहाँ पे खूबसूरत इसकी बड़ी क्लोजेट दी गई है। इस साइड पे इसका वॉशरूम, वॉशरूम की बात करें तो काफी स्पेशियस वॉशरूम है। इस साइड पे इसका खूबसूरत वेंटी सेटअप दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कमोड और सिंपल सा शावर एरिया, तौलिया शौलिया भी रख सकते हैं, जो गर्मी बहुत ज्यादा है तो प्लीज इग्नोर करें, अगर कोई ऐसी बात हो जाती है तो उसे आप प्लीज इग्नोर करें। इस साइड पे इंटर हो जाते हैं जी इसके लास्ट बेडरूम में, यहाँ पे आप देख सकते हैं खूबसूरत इसका दिया गया वॉशरूम, बड़ी यहाँ पे विंडो इंस्टॉल की गई है, डबल ग्लास विंडो यहाँ पे इंस्टॉल की गई है। तो इस साइड पे आप देख सकते हैं एलिगेंस शीट यूज की गई है, स्पेस काफी अच्छी दी गई है। तो यहाँ पे इंटर हो जाते हैं जी इसके, ये आप देख सकते हैं इसका डोर, और इस साइड पे इसका शावर, साथ एक विंडो है, एक मोड है, इस साइड पे वेंटी। और मैं आपके एक बात बताता चलूं कि हर बेडरूम में, हर जगह पे यहाँ पे, मतलब जहाँ पे आपको वॉशरूम का सेटअप मिला है, वेंटी वगैरह, कलर वगैरह, क्वालिटी वगैरह थोड़ी चेंज की गई है। कोई ऐसी बात जो रह गई हो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।